प्रथम तहलका न्यूज। एलोवेरा जूस की आड़ में नकली शराब बनाने का धंधा करने वाले आरोपियों के खिलाफ अंबाला पुलिस की लगातार धरपकड़ जारी है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अवैध शराब के धंधे से जुड़े लोगों के तार कई राज्यों से जुड़े हुए हैं और अभी तक इस मामले में 17 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दरअसल 12 सितंबर को एलोवेरा जूस की आड़ में नकली शराब बनाने का पहला मामला सामने आया था। पहले एक ट्रक मिला जिसमें एलोवेरा जूस के नाम पर सप्लाई किए जा रही शराब पकड़ी गई, जिसके बाद पुलिस ने अगले ही दिन दो अलग अलग गोदामों पर छापेमारी की। सब कुछ पिछले सितंबर में 12 सितंबर की बात है, जो हमें एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली थी। हमारे पास इनपुट्स ये थे कि यहाँ पे शराब माफिया का काफ़ी काम है, चाहे वो असल शराब को गलत ढंग से उसकी स्टॉकिंग हो या उसको बाहर भेजना हो, एक्साइज ड्यूटी बचा के भेजना हो, या फिर कोई नकली शराब का भी यहाँ पे बनाने का धंधा जो है पुरजोर था। तो उस पर हमने इन्फॉर्मेशन पे हमने जैसे कार्रवाई की, तो हमें एक ट्रक मिला जिसमें वो शराब भरी गई थी। जब वो ट्रक पकड़ा गया तो उसके बाद हमें बहुत सारा जानकारी मिली, बहुत खुलासा हुआ। उस ट्रक में जो शराब थी वो शराब उस ट्रक में नहीं जानी चाहिए थी, वो ट्रक में एलोवेरा जूस जाना चाहिए था, जिसके नाम पे वो शराब उसमें भरी गई, एलोवेरा जूस के नाम पे भरी गई। आगे तफ्तीश में हमें बहुत सारी जानकारी मिली, उस जानकारी पे हमने गोदाम पे रेड करी तो उस गोदाम में हमें भारी मात्रा में अंग्रेज़ी व देसी शराब मिली है। उसके आगे जब जैसे ही इन्वेस्टिगेशन में हमने प्रोसीड किया तो हमें एक और गोदाम की जानकारी मिली, एक और गोदाम पे हमने रेड करी तो उस गोदाम में भी हमें भारी मात्रा में शराब मिली। इसके साथ साथ जो शराब मिली उसके साथ साथ वहाँ पे हमें और बहुत इक्विपमेंट मिला, जिसमें पता लगा देखने से जो मालूम हुआ कि वहाँ पे नकली शराब भी बनाई जाती है या शराब बनाई जाती है जिस तरीके से वहाँ पे उसका सारा इस्तेमाल होता है, जो केमिकल्स का इस्तेमाल होता है या स्पिरिट का इस्तेमाल होता है शराब बनाने के लिए। वहाँ पे जो है चीज़ों का इस्तेमाल होता है, लेबलिंग के लिए चीज़ों का इस्तेमाल होता है, बॉटल्स का इस्तेमाल होता है, तो वो सारा इक्विपमेंट हमें उस गोदाम में पड़ा हुआ मिला। तो जिस पे हमने आगे कार्रवाई की, हमने केस रजिस्टर किया अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ लॉ और उसमें आगे हमने फिर गिरफ्तारियां शुरू की। जैसे हमने लीड मिलती गई, हमने लिंक जोड़ते गए और आगे से आगे हमें उसमें हमने गिरफ्तारियां की और अब तक हम इसमें 17 जो मुलजिम हैं, जो अक्यूज्ड हैं, उनको हम गिरफ्तार कर चुके हैं। दरअसल एलोवेरा जूस की आड़ में नकली शराब बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश होने के बाद पुलिस की जांच यही नहीं रुकी। पुलिस की जांच में ये भी खुलासा हुआ कि इसके साथ एक एक्सपर्ट है जो नकली शराब बनाने में अहम भूमिका निभाता है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद ये स्पष्ट हो पाया कि यहाँ पर नकली शराब बनाई जाती है। जैसे मैंने बताया कि हमने जैसे नकली शराब या शराब बनाने का भी यहाँ पे इक्विपमेंट मिला, तो उससे हमें पता लगा कि यहाँ पे कोई एक्सपर्ट है जो कि जानता है कि शराब में मिक्सिंग क्या होगी, किस तरीके से शराब बनाई जाएगी, शराब का कंसंट्रेशन कितना होगा, क्या चीज़ होगी। तो वो आदमी को भी हमने गिरफ्तार किया है और उससे ये खुलासा हुआ है कि यहाँ पे नकली शराब भी बनाई जाती थी और वो शराब हो सकता है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए हानिकारक हो, उससे कोई बड़ा नुकसान, किसी जानलेवा भी हो सकती थी वो शराब। तो वो जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट है, उनके साथ मिलके, क्योंकि हमने जो SIT बनाई है, जो डिप्टी कमिश्नर ने भी SIT बनाई है, क्योंकि केस बहुत बड़ा है, बहुत इसके अंदर हमें ढंग से चलना पड़ेगा, तो उसके अंदर हमने जो डिपार्टमेंट्स इसके लिए हमारे लिए संभव हुआ कि जो हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि एक्साइज डिपार्टमेंट का ही मेजर रोल रहता है, तो उसके अंदर हमने इनको इन्वॉल्व करके उनसे बात निकलवा। अंबाला में एलोवेरा जूस की आड़ में नकली शराब बनाने के कारोबार का खुलासा होने के बाद पुलिस अब और भी ज्यादा सजग हो गई है और दूसरी तरफ हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज खुद इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और यही कारण है कि अंबाला पुलिस ने अवैध शराब के गोदामों का पता लगाने और अवैध शराब बेचने और बनाने वालों पर कार्रवाई करने के लिए सूचना देने वालों को इनाम देने की योजना भी बनाई है, जिसके बाद निश्चित तौर पर जिले से कई गोदामों की सूचना मिल पाएगी। सख्ताई का ऐसा है क्योंकि ये बहुत बड़ा ही एक नाजायज तौर पे शराब इकट्ठा करना, उसको बेचना और गलत शराब को बेचना, नकली शराब को बेचना बहुत बड़ा एक जुर्म है और इसके लिए बहुत सख्ताई की आवश्यकता है और हमारे माननीय गृह मंत्री का हमारे पास क्लियर डायरेक्शन भी है और ये कानूनन एक अपराध है, तो इसके अंदर पुलिस भी बहुत सजग है।
तो इसलिए हमने इतना बड़ा एक्शन किया है, जो अब तक जो FIR रजिस्टर होने के बाद, जिसका मैंने जिक्र किया, उसके बाद से अभी तक 17 मुलजिम अरेस्ट हो चुके हैं। ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट हमने ऐसे गोदामों का पता लगाया है कि ऐसे गोदाम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, उस पर हमने इनाम भी घोषित किया है। जो भी कोई इसके बारे में हमें जानकारी देगा, इलीगल शराब माफिया के बारे में, उसको हम उचित इनाम भी देंगे। तो इसके ऊपर मुझे लगता है कि जो शराब माफिया है, जो लोग इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं या उसमें इन्वॉल्व हैं, उनके अंदर एक बहुत भय एक उत्पन्न हुआ है, जो जिससे आज पता लगता है। आज सुबह ही हमारे सदर पुलिस स्टेशन थाना के अंतर्गत एक रोड साइड पर हमें भारी मात्रा में देसी और अंग्रेजी शराब, उसको वहाँ पे डिस्पोज किया गया है, वहाँ पे उसको गिराया गया है, खुर्दबुर्द करने की कोशिश की गई है। तो उससे मुझे लगता है कि वो जो माफिया है उसको एक बहुत भय है, वो समझता है कि अब पुलिस सजग है, पुलिस जो है किसी को भी इस चीज़ में बख्शेगी नहीं, इसलिए उनको ये लगा कि हमें इसको मामले को छोड़ना चाहिए और यहाँ से भाग जाना चाहिए। हमें सूचना मिली थी कि देवीनगर बैरियर के पास गंदे नाले के में शराब को फेंकी गई है। मैं मौके पर पहुंचा तो शराब को बाहर निकलवा के नाले से उसकी गिनती कर रही है। ये जांच का विषय है और अफसरों को बता दिया गया है और जैसी भी स्थिति होगी बाद में बताई दी जाएगी। सर, अंदाजा कितनी संख्या में बोतलें हैं, क्या कुछ? ये देसी दारू लग रही है और कुछ पौवे हैं 777 के, इनकी गिनती करने के बाद ही पता लगेगा कि ये कितनी मात्रा में है। एलोवेरा जूस की आड़ में नकली शराब बनाने वालों का खुलासा होने के बाद जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, पुलिस इसे अंतर्राज्यीय गिरोह से जोड़कर देख रही है। पुलिस अधिकारियों की माने तो अभी तक तफ्तीश में जो बातें सामने आई हैं, उसके अनुसार ये अंतर्राज्यीय गिरोह है जो कई राज्यों में सक्रिय है, जिसमें शराब का आना, स्टॉक होना और सप्लाई होना शामिल है। अंबाला के पुलिस कप्तान की माने तो इस गिरोह के तार चंडीगढ़, हिमाचल, गुजरात और दिल्ली से जुड़े हुए हैं। इसके दौरान जो हमें लीड्स मिल रही हैं, जो लिंक्स मिल रहे हैं, उससे लगता है कि जो माफिया केवल इस हमारा जिला या स्टेट तक सीमित नहीं है, इसमें अंतर्राज्यीय गिरोह है जिसमें शराब का आना, स्टॉक होना और जाना शामिल है। तो इसमें मैं आपको अगर क्लियरली बताऊं तो इसमें हमारे लिंक्स जो हैं, लीड्स हमारे चंडीगढ़ भी जाती हैं, हिमाचल में भी जाते हैं, गुजरात भी जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं। इसमें हमारे पास स्पेसिफिक लीड्स हैं, हमारे पास यहाँ पे नाम हैं, जितने हमने अभी तक अरेस्ट किए हैं जो, उनमें से आगे उनके डिस्क्लोजर में हमारे पास कुछ नाम भी हैं जो इन स्टेट्स से कनेक्ट करते हैं। सर, एक बड़ा गिरोह जो है वो शामिल, ये एक बड़ा गिरोह सक्रिय है। जिस प्रकार से इनकी गतिविधियाँ रही हैं और जिस प्रकार से हमारी रिकवरी और कार्रवाई है, इन्वेस्टिगेशन में जो बात प्रूव होती है, उससे यह कि कोई छोटा मामला नहीं है, बहुत बड़ा गिरोह है और इस गिरोह के जो पांव बहुत आगे तक बहुत जिलों में, राज्यों में पसरे हुए हैं। दरअसल शराब माफियाओं पर प्रदेश सरकार और गृह मंत्री अनिल विज ने नकेल कसने का काम किया है। वही गृह मंत्री अनिल विज के आदेशों पर पुलिस ने भी शराब माफिया पर पूरी सख्ती कर रखी है। प्रथम तहलका के लिए अंबाला से ब्यूरो रिपोर्ट।